है गाइस, वेलकम टू द सैरी किचन में आपका स्वागत है। सो आज हम बनाने जा रहे हैं काबली पुलाव। बनाना बहुत ईजी है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम बताएंगे इसका रेसिपी कैसे बनाना है मेरे स्टाइल में। ये मैंने गोश्त लिया हुआ है और ये मैंने कुकर रखा है। पहले हमें गोश्त डाल देना है, ये मटन गोश्त है। और मैंने एक चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट डाला है, नमक स्वाद अनुसार। और ये मैं अक्खा मसाला थोड़ा डालें इसमें। फूल है दो, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा डाल के हमें इसे पाँच गिलास हमें इसे पानी डालेंगे। अब डाल के हम बंद कर देंगे। और ये मैंने देसी घी डाली है एक चम्मच। और मैं ड्राई फ्रूट हम डाल के कर रहे हैं। और देसी घी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये मैंने थोड़ा वो लिया है, खजूर लिया है और किशमिश लिया हुआ है और इसे भी निकाल लिए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे वो गाजर, मैंने बारीक लंबा काटा वो काट के रखे हैं। वो डाल के हमें हल्का ब्राउन उसको करना है, थोड़ा नरम हो जाए। अब इसमें हम पतीले रख दिया, कढ़ाई रख दिया था, उसके हम घी ऐड किए हैं। और उसमें हम कांदा डाल के उसे ब्राउन करने थे। अब ये मैंने रख दिया हुआ था कुकर में, जो अब मैं जिसे देख रही हूँ, देखिए मेरा हो गया है। मैंने 15 मिनट रखा हुआ था। ये मैंने कांदा भी मेरा हो गया, थोड़ा सा गार्निश के लिए हम निकाल दिए थे। और इसमें जो हम गोश्त मेरा है उसे हम डाल के उसे हमें लाल कर लेना है, हल्का ब्राउन उसे भी कर लेना है अच्छे से। ये देखिए, सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये मैंने उसका पानी, मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था दोस्तों, उसका ही पानी मैंने सिर्फ डाली हूँ। अब डाल के ये मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगा दिया था, बासमती राइस था। और इसमें हम ये थोड़ा आधी चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया था बाद में, अभी मतलब डाल के। अब ये मैंने नमक डाली हूँ स्वाद अनुसार। ये दो तीन मिर्ची डाली हूँ, चार डाल के थोड़ा ढक देंगे। ये देखें, हमने 10 मिनट हो गया है। अब इसमें पानी मेरा थोड़ा पी लिया है वो चावल, और वो थोड़ा सा मतलब है उसमें। अब इसमें हम सब गार्निश करने देंगे। ये देखिए हल्का एकदम वो है, पानी एकदम थोड़ा से है। अब इसमें हम गार्निश के लिए डाल देंगे, इसमें गाजर जाएगा, इसमें गाजर डाल दिए। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। और उसके बाद हम जो कांदा थोड़ा सा रखे थे ना अभी, और ये मैंने छोटी इलायची और जायफल की पाउडर है थोड़ा से वो डाल रहे हैं। और ये मैंने पन्नी ढकी हुई है ताकि बाहर ना निकले। अब उसे 10 मिनट और रख दिए थे लो फ्लेम पे एकदम। अब उसे हम खोल के देख रही हैं, देखे दोस्तों। और ये मैं थोड़ा से नहीं, कोयला में रखे हुए थे। और उसमें थोड़ा से डालेंगे ऑयल, डालने के बाद हमने 2-3 बूंद चूल्हा के हमने रख देना है 5 मिनट के लिए। तो इसमें ऐसे ढक के हम रख दिए थे। अब ये देखें, अब इसे हम खोल के देख लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दोस्तों, क्या खुशबू आ रही है, और एकदम होटल के जैसा। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसे हम निकाल लेंगे। सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।